Hello students, good morning to all of you. Myself Amit Jara from Mahasapura School. Today in this video I will continue subject OC of standard 12. Chapter number 11, Consumer Protection. First one, I start with a meaning of consumer protection. Consumer protection means providing shield to a consumer from the unethical, exploitative and unlawful practices of the sellers or manufacturer. कंज्यूमर प्रोटेक्शन यानी कि क्या कि कंज्यूमर को शील्ड देना, शील्ड मींस कि उसकी रक्षा करना, प्रोवाइड रक्षण प्रोवाइड करना, यानी कि अनएथिकल तरीके से जो भी उसका एक्सप्लोइटेशन होता है उसको स्टॉप करना, एंड एक्सप्लोइटिव अनलॉफुल प्रैक्टिसेस जो भी होता है उस सबको जो है वो रोकना, सेलर और मैन्युफैक्चरर जो है वो कस्टमर के साथ चीट वगैरह करते हैं उस सबको रोकना, यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन। आगे बढ़ते हैं। कई बार कस्टमर जो है कस्टमर के साथ चीट हो जाती है, चीट हो जाने के बाद भी कस्टमर जो है कुछ नहीं कर पाते हैं, तो कुछ कर सके या तो फिर लीगल एक्शन ले सके उसके लिए जो है उसको कस्टमर को नॉलेज होना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इम्पोर्टेंस के अंदर, जिसके टोटल थ्री इम्पोर्टेंस बताए, यानी कि तीन तरीके से कस्टमर्स के साथ जो है वो चीट हो सकती है, या तो कस्टमर का एक्सप्लोइजन हो सकता है तीन तरीके से। फर्स्ट वन, फिजिकल एंड मेंटल एक्सप्लोइजन। लोफुल क्वालिटी वाली जो भी गुड्स एंड चीज़ें हैं वो सब उसका सेल किया जाता है और कस्टमर जो है परचेस करने के बाद उसको जो है वो डिससेटिस्फेक्शन जो है वो मिलता है और वो एंग्री भी हो जाता है, गुस्सा भी उसको आता है। एंड इंफीरियर क्वालिटी वाले गुड्स जो है फिजिकली जो है वो हेल्थ के लिए भी खराब होती है। सो इस तरीके से कस्टमर का साथ जो है वो चीट किया जाता है। पॉइंट नंबर टू, इकोनॉमिक एक्सप्लोइजन। कंज्यूमर्स आर फेसिंग फाइनेंशियल लॉसेस ड्यू टू अ होर्डिंग ऑफ गुड्स, ब्लैक मार्केटिंग एंड चार्जिंग अ हायर प्राइस देन द प्रिंटेड प्राइस। कई बार जो है कि होर्डिंग ऑफ गुड्स किया जाता है, गुड्स की मार्केट के अंदर शॉर्टेज बताई जाती है बट एक्चुअल में शॉर्टेज नहीं होती है, एंड ब्लैक मार्केटिंग किया जाता है, कस्टमर के साथ चीट की जाती है, तो ये सब कुछ जो है वो किया जाता है, इससे कस्टमर के साथ जो है वो बहुत बड़ी चीट होती है। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर थ्री, अगेंस्ट अ पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट इज नॉट अ सेफ गार्ड व्हेन सम प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अ सर्टेन मटेरियल्स व्हिच कैन कॉज हार्म टू अवर एनवायरनमेंट। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भी है जो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करते हैं बट कुछ चीज़ें ऐसे भी डालती है, ऐसे मटेरियल डालते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होते हैं, तो ये होना चाहिए नहीं। आगे बढ़ते हैं मीनिंग ऑफ कंज्यूमर। अकॉर्डिंग टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अ कंज्यूमर इज अ पर्सन हु रिसीव गुड्स और सर्विसेज अगेंस्ट द एक्सचेंज। कंज्यूमर यानी कि क्या, अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंज्यूमर यानी कि एक वन टाइम पर्सन जो गुड्स रिसीव भी करता है एंड सर्विस भी रिसीव करता है और उसके बदले में वो रुपीस पे करता है एक्सचेंज के साथ। ही पे और एग्री टू अ कंपेंसेट पार्टी और फुल्ली और प्रोमिसिस टू अ कंपेंसेट ऑन अ फ्यूचर डेट, यानी कि फ्यूचर में हम आपको रुपीस पे कर देंगे, ऐसा प्रोमिस जो है वो करता है और इस तरीके से जो है वो प्रोडक्ट को परचेस करता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने मीनिंग कंज्यूमर प्रोटेक्शन का कंप्लीट किया, तीन तरीके से जो एक्सप्लोइजन होता है कंज्यूमर के साथ वो भी हमने कंप्लीट किया, मीनिंग ऑफ कंज्यूमर ये भी हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट न्यू क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, ये हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। तब तक टेक केयर ऑफ यूर सेल्फ, थैंक यू सो मच एंड जय माता दी।